विधान के साथ बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। बीते रविवार को केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले गए थे। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सुबह 4:30 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले गए। कपाट खुलने की प्रक्रिया सुबह 3 बजे शुरू हुई। कपाट खुलने के बाद मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने गर्भगृह में जाकर इस साल की पूजा शुरू। उन्होंने उद्धव जी और कुबेर जी को भगवान बद्री विशाल के साथ स्थापित कर दिया। कपाट खोलने के साथ ही चार धाम की यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई। बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट केवल 6 महीने के लिए ही खुलते हैं। 6 महीने तक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुँचते हैं। नवम्बर के दूसरे हफ्ते में अगले 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। बता दें, बद्रीनाथ में एक कुंड है जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। इस कुंड में से गर्म पानी निकलता है। इस कुंड में नहाना धार्मिक लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। कपाट खुलने के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर के करीब 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट खुलने को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह भी दिखा। आपको बता दूं, इसके साथ ही चार धाम की यात्रा भी शुरू हो गई। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।